तो अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और अपन ऐसे ऐसा फूडी होने के नाते सबसे पहले फूड जोन तरफ ही जा रहे हैं। बोलते हैं ना, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो मेला लगता है ये राज्योत्सव ही है। आखिर 3 साल बाद ही आ गया है क्लास। अभी तक न्यू रायपुर में हो रहा था तो लोग जाते नहीं थे, और अब यहाँ आए भी तो इतना खतरनाक आए कि अब सब शायद अगले 2 साल तक कोई नहीं आएगा ऐसी भीड़ को देखकर। और हर जगह यहाँ पे हमारे मंत्री जी छाए हुए हैं फोटो लगा लगा के। अच्छा है, और काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं। किसी का बच्चा घूम गया, किसी का गर्लफ्रेंड घूम गया, किसी का बॉयफ्रेंड घूम गया है। और हर जगह यहाँ पे भैया जी और बहन जी लोग दिख रही हैं, मतलब सोनिया गांधी जी और मंत्री जी। एट लास्ट हम लोग फूड जोन पहुँच गए हैं, जद्दोजहद करके एट लास्ट पहुँच गए यहाँ पे। अंकल मशक्कत करते हुए अपने बच्चे के लिए, वेरी गुड। हाँ, एट लास्ट। पता नहीं यहाँ पे फ्री में आइटम मिल रहा है खाने के लिए, इतनी भीड़ ऐसी लग रही है यहाँ पे। भाई बहुत खतरनाक था टाइम पहुँचने का, यहाँ तक बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अमृत मिल रहा है ना भाई, अमृत मिल रहा लगता है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। तो ठीक है, चलते जाते हैं अपन। यहाँ पहुँचने के बाद चौक पॉकेट मारी से बचे, काफ़ी पॉकेट मारी हो सकती है, पर इसीलिए मैंने 10 रुपये लेकर आया हूँ बस में, और 1 रुपये भी नहीं लेकर आया हूँ, और मैं ऐसे बकबक करते रहूँगा। एज यूजुअल यहाँ पे टॉप एंड टाउन और सेलेस्टी, पता नहीं दूर से एक तो होटल सुकून दिख रहा है, क्या पता मेरे को सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी खाने का कुछ स्पेशल है कि नहीं है। भीड़ देख लो, बहुत बढ़िया, सब ने भूख ऐसे निपटा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अपन, कहीं तो अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि आप नहीं खा सकते, वापस निकल रहे हैं। बाय।